हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की मुलाकात से लेके आलिया भट्ट के हॉलीवुड प्रोजेक्ट की अपडेट तक डालिए नजर एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक पर, जानने के लिए कि इस हफ्ते क्या कुछ खास हुआ बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शोज में से एक आईफा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस साल आईफा दुबई में 18 मई को होने वाला था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शो को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फैसला यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के मृत्यु के चलते लिया गया है। खबरों की माने तो अब ये अवार्ड सेरेमनी जून के पहले हफ्ते में होगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए। अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इसी कारण अक्षय कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं हो पाए। वैसे अक्षय कुमार अब ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया है। कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर काफी कुछ बोल चुकी हैं। हाल ही में कंगना अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुंची, जहां उन्होंने नेपो किड कहलाए जाने वाली अनन्या पांडे को बॉली बिम्बो बताया। कंगना ने सीधा सीधा अनन्या का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी एक्टिंग कर डाली। कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा 14 साल बाद बड़े पर्दे पे वापसी करने जा रही हैं। 17 मई को उनकी फिल्म निकम्मा का ट्रेलर आउट हुआ। इस फिल्म में शिल्पा सुपर वुमन अवतार में नजर आएंगी। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर शिल्पा शेट्टी से पति राज कुंद्रा के रिलेटेड सवाल पूछे गए, जिनका जवाब शिल्पा ने कुछ इस तरह से दिया। डालिए नजर इस वीडियो पर। You know, played this really strong character in our real lives. Many of us don't talk about it, but we've all been very, very strong, and we've raged the storm. And I think it's time to celebrate newer beginnings and more positive things. So let's focus on that. मशहूर सिंगर कनिका कपूर एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने लंदन में NRI बिजनेसमैन गौतम संग साथ फेरे लिए हैं। इनकी शादी खास दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में हुई। शादी से पहले हल्दी और मेहंदी की भी रस्में हुई। कनिका कपूर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। डालिए नजर इन खूबसूरत तस्वीरों पर। सीमा खान और सोहेल खान ने कुछ दिन पहले ही फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। दोनों ने शादी के 24 साल बाद अलग होने का फैसला लिया और अब सीमा ने अपने नाम से खान सरनेम भी हटा दिया है। सीमा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नाम बदलकर सीमा किरण सचदेव कर लिया है। आलिया भट्ट अब बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। गुरुवार को आलिया अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस फिल्म में वो गैल गैडोट और जेमी डॉन्डन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी। आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वे अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म की शूटिंग करने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो नर्वस भी हैं। डालिए नजर आलिया भट्ट की इस पोस्ट पर। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर करीब 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों पिछले कुछ समय से शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि वे इसी साल नवंबर या दिसंबर महीने में साथ फेरे लेने जा रहे हैं। वेडिंग सेरेमनी मुंबई में ही फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की मौजूदगी में होगी। इस बीच इन खबरों पर अर्जुन का पहला रिएक्शन सामने आया है। डालिए नजर अर्जुन कपूर की इस पोस्ट पर। जहां एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा सिटेडल की शूट के लिए फिर से सेट पर लौट आई हैं। कहते हैं कि एक शो बनाने में खून और पसीना लग जाता है। हाल ही में इन एक्टर्स ने कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें इनके जख्म नजर आ रहे हैं, जो देख इनके फैंस भी काफी परेशान हो गए हैं। डालिए नजर सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा की इन तस्वीरों पर। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी के ब्रेकअप की खबरें लंबे समय से चल रही हैं। हाल ही में कियारा एडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 की स्क्रीनिंग रखी गई। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की स्टार कियारा एडवाणी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी दिखे। इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए भी देखा गया।
स्क्रीनिंग से एक वीडियो सामने आया है जिसमें सिद्धार्थ और कियारा खुशी से एक दूसरे को गले भी लगाते दिख रहे हैं। कियारा और सिद्धार्थ को एक साथ देखने के बाद लोगों के बीच ये अफवाहें उड़ने लगी हैं कि ये दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें झूठी थीं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इन्हें साथ देखा गया था। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.